जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बछलौता में चोरों ने एक बंद पड़े मकान को अपना निशान बनाया और 20,000 रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गया। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने मकान का टूटा ताला देख परिजनों को मामले से अवगत कराया। इसके बाद मकान मालिक मौके पर पहुंचा और थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव बछलौता निवासी धर्मेंद्र सैनी ने बताया कि वह तीन भाई हैं। तीनों ही भाई परिवार के सदस्यों के साथ बाहर रहते हैं। धर्मेंद्र सैनी ग्रेटर नोएडा स्थित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसने बताया कि 15 दिन पहले वह मकान का ताला लगाकर चला गया था। 19 दिसंबर की देर रात चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मकान से 20,000 रुपये की नकदी, चांदी का गले का सेट, 4 कंगन, 1 जोड़ी कुंडल, 1 अंगूठी, 1 चेन, 1 जोड़ी पाजेब, सोने की लौंग और सिक्का सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। बुधवार की सुबह ग्रामीणों की नज़र मकान के टूटे ताले पर पड़े, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को मामले से अवगत कराया। उसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।